नमस्कार। जब किसी के हिसाब से उसके काम ना बने, कड़ी मेहनत के बाद भी अगर सफलता हाथ ना लगे तो यही कहते हैं सब कि समय खराब है। और ये सब तब भी होता है जब आपके ग्रहों की चाल आप पर हावी हो जाती है। कहते हैं समय पर जब ग्रहों की चाल साथ ना दे तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। फिर चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, लाख मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसे में कुछ उपाय अगर आप भी घर से बाहर निकलते वक्त करें तो ये ना सिर्फ आपके ग्रहों को शांत करेगा बल्कि आपके हर काम को सफल भी बनाएगा। क्या है वो उपाय, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिष आचार्य देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं, मसलन इंटरव्यू या फिर व्यापार सिलसिले में जा रहे हैं, या फिर शादी की बात करने जा रहे हैं, या अन्य किसी शुभ कार्य से आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको कुछ टोटकों को मानना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं उन टोटकों के बारे में जिनको घर से बाहर जाते समय आपको मानना चाहिए, जिसका जिससे आपको लाभ मिलेगा और कार्य सिद्धि होने के भी योग बनेंगे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए घर से निकलने से पहले शीशे में जरूर चेहरा देखकर ही निकलें। ऐसा करना काफी अच्छा माना जाता है। दर्पण आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को दुगुना कर देता है। दर्पण में प्रतिबिंब को देखना इसलिए शुभ माना जाता है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह नाश हो जाती हैं। घर से निकलने से पहले घर के मंदिर में 11 अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक जलाकर निकले। इसके साथ ही हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल और फूल को थाली में सजाकर भगवान की आरती करके घर से जाए। इसके साथ ही भगवान से सफलता की कामना करते हुए घर से जाए। इसके बाद स्वयं के ऊपर से काले तिल 7 बार उबार कर उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी भला टल जाएगी और आपके काम बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। घर से निकलने से पहले एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि कुछ भी अपशब्द या फिर गलत शब्द न बोलें और किसी से झगड़ा करके घर से न निकले। यह आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके साथ ही एक बात का और विशेष आप ध्यान रखें कि घर से बाहर जाते हुए कोई निगेटिव साउंड करने वाला शब्द भी न बोले, जैसे मौत, चप्पल, जूते और अन्य बातें। इससे उस काम पर असर पड़ता है जो आप करने जा रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा और परेशानी देखने को मिलेगी। घर से निकलते समय आप एक सुर में भगवान का नाम लेकर या फिर मंत्र पढ़कर घर से निकले। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपको पवित्र वचन और श्लोक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी यात्रा भी मंगलमय होगी और आपके कार्य भी निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। घर से निकलने से पहले चावल की छोटी सी ढेरी पर कलश रखकर और 1.25 रुपया रखकर अगरबत्ती से आरती करें। प्रार्थना करें कि यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। इसके बाद घर लौटने पर वह चावल शिव मंदिर में जाकर आप चढ़ा दें। शिवलिंग के ऊपर उसे थोड़ा सा चढ़ा दें, मंदिर में दे दें। यह करने से आपके जो भी काम है आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह टोटका जो है आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।